दोस्तों ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी पर लोन को ही होम लोन मान लेते हैं, लेकिन होम लोन और मॉर्गेज लोन में बड़ा अंतर है। आज के इस वीडियो में हम होम लोन और मॉर्गेज लोन के अंतरों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे ना केवल आप सही प्रॉपर्टी लोन ले पाएंगे, बल्कि आप ज्यादा ब्याज देने से भी बच पाएंगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो होम लोन और मॉर्गेज लोन में बहुत से अंतर है, लेकिन आज हम आपको कुछ खास अंतरों के बारे में जानकारी देंगे जो सीधे तौर पर आपको आर्थिक नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं अंतरों में से पहला है लोन की उपयोगिता। जी हाँ दोस्तों, होम लोन और मॉर्गेज लोन के उपयोग में बड़ा अंतर होता है। जहां एक और होम लोन के अंतर्गत आप मकान खरीदने, मकान बनाने, प्लॉट खरीदने तथा उस पर मकान के निर्माण के लिए लोन के साथ ही साथ मकान के सुधार, विस्तार और इम्प्रूवमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, वहीं मॉर्गेज लोन के रूप में आप मकान को गिरवी या बंधक रख के आपके व्यक्तिगत कामों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। जैसे यदि आपके घर में शादी है तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन मॉर्गेज लोन के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहे तो घर को बंधक रखकर व्यापार व्यवसाय के लिए भी मॉर्गेज लोन के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। होम लोन और मॉर्गेज लोन के दूसरे अंतर की बात की जाए तो वो है इन दोनों पर लगने वाली ब्याज दर। जी हाँ दोस्तों, जहां एक और होम लोन पर आपको कम ब्याज चुकाना होता है, वहीं मॉर्गेज लोन पर आपको अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। होम लोन में ब्याज दर की शुरुआत जहां 8-9% से होती है, वहीं मॉर्गेज लोन आपको ज्यादा ब्याज पर मिलता है और इसके ब्याज की शुरुआत लगभग 10% से होती है और ये बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ये ब्याज बैंक और हाउसिंग फाइनेंस में अलग अलग होने के साथ ही साथ बहुत हद तक आपकी प्रोफाइल, इनकम, सिबिल स्कोर के साथ ही साथ संपत्ति की वैल्यू के आधार पर भी निर्धारित होता है। होम लोन और मॉर्गेज लोन में तीसरा अंतर है डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो होम लोन और मॉर्गेज लोन के केवाईसी और इनकम डॉक्यूमेंट एक से ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की भिन्नता होती है। जैसे कि होम लोन के लिए आपको एग्रीमेंट, सेल डीड, नक्शा, परमिशन के साथ ही साथ निर्माण का एस्टिमेट आदि देना होता है। इतना ही नहीं, होम लोन के लिए टाइटल डीड के साथ ही साथ कॉलोनी या हाउसिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। वहीं मॉर्गेज लोन में वैसे तो सेल डीड ही काफी होती है, लेकिन कुछ बैंक प्रॉपर्टी से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। वैसे हमने होम लोन डॉक्यूमेंट को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक हम पिन कमेंट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। होम लोन और मॉर्गेज लोन में चौथा अंतर है लोन राशि। जी हाँ दोस्तों, होम लोन और मॉर्गेज लोन में लोन अमाउंट का बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जहां एक और होम लोन पर आपको संपत्ति का 80-90% तक का लोन मिल सकता है, वहीं मॉर्गेज लोन में यह अमाउंट 50-60% हो जाता है। वैसे अगर आपकी प्रोफाइल, इनकम, सिविल स्कोर के साथ ही साथ प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक ठाक है तो इसमें 10-20% ज्यादा लोन भी आपको मिल सकता है, लेकिन अमूमन आपको मॉर्गेज लोन में कम ही लोन मिलता है। इसका एक कारण है, वो है इनकम। जी हाँ दोस्तों, मॉर्गेज लोन पर आपको आपकी मासिक आय का 50% की किस्त तक का लोन मिलता है, वहीं होम लोन में यह सीमा बढ़कर 70-80% तक हो जाती है। होम लोन और मॉर्गेज लोन में पांचवा और सबसे बड़ा अंतर है टैक्स लाभ। जी हाँ दोस्तों, जहां एक और होम लोन पर आपको टैक्स का भरपूर लाभ मिलता है, वहीं मॉर्गेज लोन पर टैक्स का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। होम लोन लेने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 24, 80C और अन्य धाराओं में लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, वहीं मॉर्गेज लोन पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, यदि आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो होम लोन और मॉर्गेज लोन के इन अंतरों को समझकर ही लोन के लिए अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप होम लोन की बजाय मॉर्गेज लोन के लिए आवेदन कर दें। वैसे क्या आपने पहले से अपने मकान पर लोन ले रखा है? अगर हाँ तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो किस श्रेणी में आता है, यानी होम लोन या मॉर्गेज लोन? दोस्तों हो सकता है होम लोन और मॉर्गेज लोन के अंतर की इन जानकारियों की जरूरत आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद जरूर करें। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लोन, फाइनेंस, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, इंस्टेंट लोन, सारी जानकारी आपको तत्काल मिलती रहे। जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।